एक प्रयास जन सेवार्थ, इसी ध्येय के साथ अजमेर जिला प्रमुख सुशील कंवर पराड़ा द्वारा शुरू किया गया जिला परिषद आपके द्वार अभियान अब प्रदेश में रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। अजमेर जिला प्रमुख सुशील कंवर पराड़ा जब वर्ष 2010 में जिला प्रमुख निर्वाचित हुई थी, तब नवाचार के तहत उन्होंने प्रदेश में सबसे पहले सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ आम ग्रामीणों को प्रदान करने हेतु जिला परिषद आपके द्वार अभियान शुरू किया था, जिसमें उनके पति भंवर सिंह पलाड़ा ने भी भरपूर सहयोग देते हुए उसे आगे बढ़ाया। पलाड़ा दंपति ने अपने निजी खर्च पर हजारों ग्रामीणों को शिविर के दौरान सहायता व सहयोग प्रदान करते हुए उन्हें सम्मान प्रदान किया। इसके पश्चात जब वर्ष 2013 में सुशील कंवर पलाड़ा मसूदा विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई, तब भी उन्होंने यह कार्यक्रम जारी रखते हुए विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विधायक आपके द्वार अभियान चलाकर लोगों को सहायता पहुंचाई। अब जब सुशील कंवर पराड़ा दूसरी बार अजमेर की जिला प्रमुख निर्वाचित हुई है, तब भी उन्होंने यह कार्यक्रम जारी रखा। इस बार अजमेर जिले की सभी 11 पंचायत समिति मुख्यालय पर जिला परिषद आपके द्वार कार्यक्रम जिला प्रमुख सुशील कंवर पराड़ा के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान हजारों ग्रामीण शिविर में पहुंचकर सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जिला परिषद आपके द्वार अभियान के दौरान सरकार के 17 से अधिक विभाग एक ही छत के नीचे सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना का लाभ ग्रामीणों को दे रहे हैं। वहीं शिविर में विकलांगों को ट्राईसाइकिल, दिव्यांगजन को बैसाखी छड़ी, सुनने की मशीन सहित अन्य उपकरण भी दिए जा रहे हैं। शिविर में पंचायत समिति क्षेत्र में निवास करने वाली बालिकाओं का जन्मदिन भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिविर में जिस बालिका का जन्मदिन शिविर वाले दिन होता है, उनका केक काटा जाता है। वह बच्चों को इस दौरान खिलौने व अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। यह सब किया जाता है पलाड़ा दंपति के स्वयं के खर्च पर। इसके साथ ही पलाड़ा दंपति द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी पलाड़ा दंपति द्वारा की जाती है। इस दौरान महिलाओं को बेस तथा मिठाई वितरित की जाती है व उनके बच्चों के लिए खिलौने दिए जाते हैं। सुशील कंवर पलाड़ा स्वयं एक महिला है तो वह महिलाओं का दर्द समझती है। शिविर के दौरान वह महिलाओं की जहाँ जनसुनवाई करती है, वहीं गर्भवती दात्रियों के टीकाकरण सहित अन्य सुविधाओं के लिए भी अधिकारियों को निर्देश प्रदान करती है। शिविर में भंवर सिंह पलाड़ा तथा सुशील कंवर पलाड़ा का यह प्रयास रहता है कि शिविर में आने वाले प्रत्येक ग्रामीण को सरकार की किसी न किसी जन कल्याणकारी योजना का लाभ उन्हें मिले। फिर भी अगर कोई ग्रामीण सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाता है, तो उसे पलाड़ा दंपति अपने निजी खर्च पर सहयोग प्रदान करते हैं। शिविर में जहां विभिन्न पंचायत समिति क्षेत्र में करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाता है, वहीं शिविर की खास बात यह भी है कि शिविर के दौरान गरीब असहाय निर्धन लोगों को पलाड़ा दंपति अपने निजी खर्च पर आटे के कट्टे वितरित करते हैं। आज पलाड़ा दंपति द्वारा चलाए जा रहे जिला परिषद आपके द्वार कार्यक्रम की सीख भी अन्य जनप्रतिनिधियों को लेनी चाहिए। पलाड़ा दंपति द्वारा जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से क्षेत्र के ग्रामीणों की सेवा करने के लिए कार्य किया जा रहा है, ऐसा अन्य जनप्रतिनिधियों को भी करना चाहिए। इतना हर जगह जगह मेरा इतना अच्छा स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। भाइयों और बहनों, मुझे आज दोबारा जिला परिषद बनने का मौका मिला है, ये भगवान का आशीर्वाद है। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे दोबारा जिला परिषद का मौका मिला है। तो मैं वैसे तो मंगलवार को जन सुनवाई रखती हूँ जिला परिषद में, लेकिन मैंने सोचा कि हर व्यक्ति, हर गाँव का व्यक्ति जिला नहीं पहुंच सकता, इसलिए मैंने पूर्व में भी जिला परिषद आपके द्वार चलाया। जब मैं मसूदा से 5 साल विधायक रही, तो विधायक आपके द्वार
समस्या सब बता सकते हैं ताकि आपकी समस्या का मौके पे ही समाधान हो सके। भाइयों और बहनों, हम राजनीति में आए हैं तो आप सभी की सेवा करने के लिए आए हैं। गरीब जनता को गणेश मानकर सेवा करने का हमारा ये प्रयास रहा है। मेरे कम से कम आज मुझे 15 साल हो गए इस पद पे, चाहे विधायक रहो या जिला प्रमुख रहो, हमने ईमानदारी से हमने काम किया है। जो मुझे सैलरी मिलती थी वो सैलरी भी मैं विधवा के पुत्र के विवाह के लिए देती थी। मैं पूर्व में जिला प्रमुख थी, जब मैं 5 साल तक विधायक रही वो मैं गरीब की पुत्र के विवाह के लिए देती थी। जिस दिन से मैंने जिला प्रमुख दोबारा बनी हूँ उसी दिन मैंने शपथ ली, उसी दिन मैंने यही कहा कि जो मुझे सैलरी मिलेगी वो मैं विधवा की पुत्री के विवाह के लिए दूंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी भी आपके चाहे गरीब की हो या विधवा की पुत्री का विवाह हो तो आप कार्ड लेके मेरे पास आ जाना, जो भी मेरे से मदद होगी वो मैं मदद करूंगी। आपके पास नहीं थे, आप चिरंजीवी योजना में जो आप 20 लाख रूपए आपको मिलते, ऐसा गरीब व्यक्ति था जिस व्यक्ति को पैसा जमा कराने में सक्षम नहीं था, उसके लिए हम जिला परिषद द्वारा योजना लेकर गए कि हम लगभग पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायतें, लगभग एक एक पंचायत समिति में ऐसे जो गरीब वंचित लोग हैं उनको 500 लोगों तक हम चिरंजीवी योजना में 800 किया जाता है, तो जिला परिषद में, अजमेर में किया जाता है। इसके अलावा हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं और राजस्थान में जिला परिषद में काम करते हैं। सभी जनप्रतिनिधि ईमानदारी से काम करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा आज जो विकास के जो आज करोड़ों, कम से कम 11 करोड़ के इस पंचायत समिति में जो जिला परिषद द्वारा सैंक्शन किए गए थे, ऐसे जो मॉडल बनावे 50-50 लाख के पंचायत में दिए गए थे, हर पंचायत में 40-40 लाख रुपए के खेल मैदान दिए जा रहे हैं। आपके जिस पंचायत में खेल मैदान स्वीकृत नहीं हुआ है, जहाँ भी है वहाँ बता दीजिए आपका खेल मैदान 40 लाख का स्वीकृत किया जाएगा। जहाँ पे आपके शमशान घाट नहीं बना ढोलक मिला है तो एक अच्छा मॉडर्न शमशान घाट के लिए लगभग 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तो उसमें आप जो एक्शन प्लान में उसमें जुड़ा दीजिए। 50-50 लाख में आपके गांव में हर जगह आपके शमशान घाटों को डेवलप किया जाएगा। उसके लिए आप हमारे कबीर साहब एक्शन साहब इनको आप दे दीजिए।